दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे दूध और चीनी से मिल्क पेड़ा। फ्रेंड्स, रेसिपी को पूरा वॉच करें। मैं यहाँ पर 3 लीटर दूध को अच्छे से उबालने के लिए रखी हूँ। जैसे अच्छे से 1 से 2 बार उबाल आएगा तो मैं इसमें चीनी को स्टार्टिंग में ही ऐड कर रही हूँ। 300 ग्राम दूध में चीनी मैंने यहाँ पर लिया है। 3 लीटर दूध के लिए 300 ग्राम चीनी इसमें मैंने डाल दिया। स्टार्टिंग में अगर हम चीनी को डाल देते हैं और अच्छे से पकाते हैं तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध पहले एक कटोरी में मैंने 2 से 3 चम्मच दूध लिया था। अब इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम जो उबालते हुए दूध है उसमें डाल देंगे। इसको डालने से क्या होगा, जो हमारा पेड़ा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ बनेगा, क्योंकि इसमें दूध में जो है ना दाना दाना सब बन जाता है अगर हम अच्छे से उबालते हैं तो। लेकिन ये नहीं बनेगा, बहुत ही ज़्यादा दूध हमारा स्मूथ रहेगा। तो ये देखिए, हम इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। मैं यहाँ पर हाई फ्लेम में ही इसको कुक कर रही हूँ। मैं यहाँ पर और फिर से एक बार दूध ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच जितना। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जो दूध लिया था वो सारा फुल क्रीम दूध नहीं है। मैंने यहाँ पर 2 पैकेट फुल क्रीम दूध लिया, बाकी सब तोन मिल्क है। इसीलिए मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर को ऐड कर रही हूँ। अगर आप सारा ही फुल क्रीम दूध लेते हैं तो इसमें ये मिल्क पाउडर ना डालें, नहीं डालने से भी चलेगा। बस इस तरीके से हम इसको डाल के मिलाते रहेंगे। तो मैं यहाँ पर हाई फ्लेम में कंटिन्यू चलाते हुए ही इस पेड़ा को बनाने वाली हूँ। अगर आप लो फ्लेम में रख के कुछ दूसरा काम भी करते हैं तो कर सकते, इससे टाइम ज़्यादा लगेगा। पर मैं यहाँ पर 3 लीटर दूध से 1 घंटे के अंदर ही हमारा ये जो पेड़ा है ना बन जाएगा। हाई फ्लेम में जल्दी जल्दी पक जाता है। तो बस इस तरीके थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है, साइड से जितना भी मलाई है उनको निकालते रहेंगे और ये जो है ना दूध हमारा जल्दी जल्दी ही उबाल आता रहेगा। तो ये देखिए, काफ़ी थिक हो चुका है, क्वांटिटी इसकी आधा हो चुका है ना। तो इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं बनेगा। अब हम इसमें डालेंगे घी। 2 से 3 चम्मच घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और बस चला लेंगे। इससे क्या होगा, साइड में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, जितना भी मलाई है वो बाहर आ जाएगा और हमारा जो पेड़ा है ना वो शाइनिंग भी इसमें रहेगा। तो बस इसी तरीके से चलाएंगे। काफ़ी थिक हो चुका है, यहाँ पर मैंने 1/2 घंटे से ऊपर हुआ है दूध को उबालते हुए। अभी भी हमें थोड़ा और पकाना है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से थिक हो रही है। तो इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे और पेड़ा हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है बहुत खाने में बहुत ही मज़ा आता है। ये तो टाइम तो लगता है, हमें इसमें पेशेंस रख के पकाना पड़ता है, लेकिन इसका जो स्वाद होता है वो आप किसी और पेड़ा के साथ है ना इसका तुलना नहीं कर सकते हैं। ये अलग ही रहता है, अलग ही टेस्ट होता है जब हम मिल्क से पेड़ा या फिर मिल्क से कोई भी रेसिपी बनाते हैं स्वीट का, तो उसका टेस्ट अलग ही होता है, चाहे आप कितना भी दूसरा कोई मिठाई बना लीजिए। तो ये देखिए, मिल्क हमारा एकदम थिक होने वाला है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू इसी तरीके से चलाएंगे ताकि नीचे जल ना जाए। तो मैं यहाँ पर भी गैस के फ्लेम को थोड़ा सा कभी कम कर रही हूँ, कभी ज़्यादा कर रही हूँ, इस तरीके से मैं इसे पका रही हूँ फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आएगा कि नीचे अगर जल रही है तो तुरंत ही गैस को कम कर दीजिए, और फिर आपको लगता है तो फिर से आप थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए। एक प्लेट में रख लेंगे हम थोड़ा सा घी, इसको मिला लेंगे हाथों से। ये देखिए, हमारा जो पेड़ा है ये बनने वाला है। इसका यही सिंबल है कि इससे हम ऐसे गोल बनाएंगे तो बंद जाएगा। अब हम इस प्लेट में डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्स करते हुए ठंडा करेंगे। थोड़ा सा इससे ठंडा करने से थिक हो जाएगा। तो अब हम इस प्लेट में इसको रख के, यहाँ पर आप कोई प्लास्टिक या फिर फॉइल पेपर कुछ भी डाल के इसको अच्छा से प्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, ये अपने आप ही प्लेन हो चुका है, इसीलिए क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था। तो बहुत जल्दी ही बन जाता है और बिल्कुल भी गुठली सा दाना सा नहीं रहता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर छोटा सा ढक्कन से इसको सभी को एक ही शेप में काट रही हूँ। आपके पास कटर है तो उससे आप काट लीजिए, आप कोई भी शेप में इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये आसानी से जल्दी बन जाएगा और देखने में भी अच्छा। यहाँ पर जो साइड से एक्स्ट्रा पेड़ा है, जो मावा है, इनको हम निकाल लेंगे। इसे भी हम
क्या करेंगे, हाथों से भी बना सकते हैं या फिर से हम इस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हाथों से बना के दिखाती हूँ। पहले ही हम इसको गोल सा लड्डू जैसे बनाएंगे, हाथों से इसका पेड़ा बनाएंगे और फिर इसमें हम फोक से डिज़ाइन कर देंगे। यहाँ पर आप कोई दूसरा छन्नी भी यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन के लिए, अगर मोल्ड है तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर फोक से इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ पेड़ा का। तो यहाँ पर हमने सारा पेड़ा इस तरीके से बना लिया है। फ्रेंड्स कैसा लगा ये रेसिपी आप सबको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में बताएं कि कैसा बना है।